दोस्तों स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो जुड़ी होने वाली है BSNL से। तो दोस्तों BSNL जो है लगातार धीरे धीरे काम जो है अपना करता जा रहा है और रिवाइवल की तरफ बढ़ता जा रहा है। दोस्तों जल्दी से ही BSNL रिवाइव किया जाएगा। नवंबर तक इसके चलने के पूरे पूरे चांसेज हैं कि नवंबर तक BSNL चलने लगेगा। 4G अपग्रेडेशन का काम भी इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल ही एक ऐसी न्यूज़ निकल के आई है, बहुत अच्छी न्यूज़, क्योंकि BSNL ने जो ब्रॉडबैंड लेने के लिए लोगों को दिक्कत होती थी, ऑफिस में जाना होता था तो वहाँ जाके बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने होते थे, लेकिन अब जो है ब्रॉडबैंड लेना है आपके लिए, BSNL कनेक्शन लेना है नेट का, तो आप लोग जो है केबल जाके इसके पोर्टल पर आवेदन करेंगे। उसके बाद आवेदन करने के बाद आपके लिए ब्रॉडबैंड दे दिया जाएगा। तो जानते हैं कैसे इसकी पूरी प्रोसेस है। और हाँ दोस्तों, बात करेंगे सैलरी के बारे में और जुलाई की सैलरी के बारे में, कब तक उसकी डेट है, कब तक मिलने के चांसेस हैं। और दोस्तों उसकी डेट भी आ चुकी है और BRS के सेकंड इंस्टॉलमेंट की भी बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की भी, हर एक टॉपिक पर गौर करेंगे। लेकिन जानते हैं उससे पहले इस खास न्यूज़ को। BSNL ने घर घर इंटरनेट पहुंचाने के लिए लॉन्च किया है यह पोर्टल। देश के हर कोने में मिलेगा ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ऐसे करें आवेदन। तो दोस्तों आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, चलिए जानते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने देश के हर घर घर मोहल्ले हर गांव में इंटरनेट पहुंचाने के लिए अपना नया पोर्टल पेश किया है। दोस्तों बताया, ये पोर्टल कल ही पेश किया है BSNL ने, जिसके जरिए आप शहर से दूर अपने गांव में भी इंटरनेट कनेक्शन लगवा सकते हैं। आइए जानते हैं अप्लाई करने का तरीका और जानते हैं इसके क्या प्लान हैं। चलिए, BSNL ने बुक माई फाइबर नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरिए आप भारत फाइबर कनेक्शन ले सकते हैं। इस पोर्टल पर जाकर आप अपने इलाके और ज़रूरत के हिसाब से प्लान का चयन कर सकते हैं। बुक माई फाइबर पोर्टल पर बिहार में ब्रॉडबैंड प्लान की शुरुआती कीमत 499 रुपये है। दोस्तों आपके लिए ब्रॉडबैंड केवल 500 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें आपको 100 GB इंटरनेट मिलेगा और यह डाटा ख़त्म होने के बाद आपके लिए 2 MBPS की स्पीड इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपका नेट ख़त्म हो जाता है तब भी आप 2 MB की स्पीड का जो है लाभ उठा पाएंगे। बीबी वर्क फ्रॉम होम बीबी प्लान के तहत यूजर्स को फ्री में 10 MBPS की स्पीड से रोज़ाना 5 GB डेटा इंटरनेट मिलेगा। 5 GB डाटा ख़त्म होने के बाद स्पीड 1 MBPS हो जाएगी। सबसे महंगे प्लान की कीमत 16,999 रुपये है, जिसमें 100 MBPS की स्पीड के साथ रोज़ाना 170 GB डेटा मिलेगा। दोस्तों 170 GB डेटा मिलेगा, ये उन कंपनियों के लिए है जो कंपनियां बहुत ज़्यादा नेट खर्च करती हैं। और डाटा ख़त्म होने के बाद 10 MBPS की स्पीड से इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। अगली स्लाइड में जानते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना है। तो दोस्तों यदि आप जो अपने शहर या अपने जो गांव हैं, जहां भी आप रहते हैं, आप ब्रॉडबैंड लगवाना चाहते हैं इंटरनेट का, तो सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट bookmyfiber.bsnl.co.in पर जाएं। और इसके बाद आपको अपने इलाके का नाम, पिन कोड, राज्य का नाम, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना होगा। उसके बाद आपके लिए जो एक OTP है आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, जिसके डालने के बाद आप अपने इलाके में मौजूदा प्लान के बारे में जान सकेंगे। फिर अपनी सुविधा अनुसार प्लान का चयन करें और लोकेशन पर क्लिक करें और दोस्तों सबमिटन कर दें। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद कंपनी आपसे संपर्क करेगी और आपका कनेक्शन लग जाएगा। तो दोस्तों कितना आसान जो है कर दिया है BSNL का जो ब्रॉडबैंड लगवाना, क्योंकि दोस्तों अगर बात की जाए इससे पहले की, अगर बुक माई फाइबर जो पोर्टल है उससे पहले की अगर बात की जाए, तो दोस्तों आपके लिए अगर ब्रॉडबैंड लगवाना है अपने घर पर या जहाँ भी, तो आपके लिए BSNL के ऑफिस के चक्कर काटने होते थे, वो भी महीनों उसमें लग जाते थे BSNL का ब्रॉडबैंड लेने में। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है कि अब जो BSNL है वो यूज़र फ्रेंडली होता जा रहा है, कस्टमर फ्रेंडली होता जा रहा है, इसलिए BSNL के जो ग्राहक हैं वो बढ़ने के भी चांसेस हैं। दोस्तों 4G मिल जाने के बाद तो और जो है BSNL बहुत अच्छे से वर्क करेगा, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। और दोस्तों एक बात आपके लिए और बताऊं कि पोर्ट ब्लेयर जो कि एक भारत का ही हिस्सा है, पोर्ट ब्लेयर लेकिन काफ़ी अजीब सा हिस्सा है, पोर्ट ब्लेयर में आप जो है BSNL ने 2300 करोड़ रुपए खर्च करके समुंदर में, जो कि पोर्ट ब्लेयर दोस्तों बताएं आपके लिए समुंदर का ही एक पार्ट है, वहाँ तक जो है नेट पहुँचाने की बात की, इंटरनेट केबल पहुँचाई है 2300 करोड़ रुपए खर्च करके, समुद्र में भी केबल बिछाई है ताकि हर एक जो कनेक्टिविटी है वो कंप्लीट दे पाए, हर एक
जगह है BSNL पहुंच पाए। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी ये न्यूज़ निकल के आ रही है। और दोस्तों आप बात की जाए एसेट मोनेटाइजेशन की, तो एसेट मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया का भी दूसरा चरण चालू हो चुका है। और जैसे ही एसेट मोनेटाइजेशन होता है, इसका लैंड मोनेटाइजेशन होता है, BSNL फिर से अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि 37,500 करोड़ रुपये का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा रेवेन्यू है। और ये रेवेन्यू जो है BSNL के लिए मिल जाएगा, तो BSNL इस रेवेन्यू को पूरा रिवाइवल करने में लगा देगा। दोस्तों BRS के सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो है केवल केवल ये किस्त तो बची है सेकंड इंस्टॉलमेंट की, और जो एक्स ग्रेटी और ग्रेचुटी का पैसा वो दे दिया गया है। और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी की बात की जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की केवल 1-2 महीने की सैलरी दी गई है, 16-17 महीने की सैलरी में, वो भी सैलरी दी जाएगी जब इसका लैंड मोनेटाइजेशन हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद ही ये सैलरी मिलने वाली है। तो आप जो है ज़्यादा चिंता ना करें, क्योंकि आप जो है BSNL ठीक ठाक चलने लगेगा। और दोस्तों आपके लिए एक बात और बताएं कि जो जुलाई की सैलरी है उसकी ऑफिशियल डेट कुछ ऐसी खास नहीं है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड डेट है जो न्यूज़ में आई है एक्सपेक्टेड डेट की, इतने तक ये सैलरी मिल सकती है। तो दोस्तों 20 और 21 जुलाई के लिए सैलरी आपकी मिल जाएगी, तो आप चिंता ना करें और सैलरी भी जल्दी मिल जाएगी। और दोस्तों आगे के लिए यानी नवंबर से बिल्कुल ठीक ठाक चलेगा, आपकी सैलरी भी ठीक ठाक टाइम पर मिलेगी, सही टाइम पर मिलेगी। और दोस्तों जो BSNL के हर एक कर्मचारी, चाहे वो टावर ऑपरेटर हो, चाहे जो जिनकी ज़मीन में एग्रीमेंट करा के टावर इंस्टॉल किए गए हैं, उनका पैसा हो, उनका किराया हो, हर एक का किराया दिया जाएगा बहुत ही जल्द। और दोस्तों BSNL की सर्विस काफ़ी अच्छी होने वाली है, इसके जो कस्टमर हैं वो आप चिंता ना करें, क्योंकि सर्विस बहुत अच्छी मिलेगी। क्योंकि दोस्तों आप बात की जाए अगर जियो की, तो जियो बहुत ज़्यादा मनमानी कर रहा है मार्केट में, 199 रुपये में 1.5 GB डेटा दे रहा है, वो भी 24 दिन के लिए। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। और जबकि बात की जाए BSNL की, तो दोस्तों BSNL 147 रुपये में 5 GB डेटा पर डे दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, 5 GB पर डे, और वो भी 147 रुपये में। जहाँ जहाँ 4G इंस्टॉल है वो अभी जो है इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं, और जल्दी से ही पूरे भारत में BSNL का 4G लग जाएगा, तो पूरे भारत के जो कस्टमर हैं वो लोग जो है उसका आनंद ले पाएंगे 4G सेवा का। दोस्तों एक बात और आपके लिए बताएं कि जो BSNL यूनियन है, यानी यूनियन और BSNL ने एक लेटर लिखा है PK पुरवा, जो कि CMD और BSNL है, उनके लिए एक लेटर लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि BSNL का जो 4G का टेंडर कैंसिल हुआ था चाइना के साथ, अब उसका जो होम ग्राउंड कंपनियों के साथ टेंडर होना है, उस टेंडर को ना किया जाए, डायरेक्टली इक्विपमेंट खरीद के डायरेक्टली जो है 4G में अपग्रेडेशन किया जाए, क्योंकि टेंडर में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि दोस्तों टेंडर में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये टाइम जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस तो ऑलरेडी हो चुका है, 2 साल से लगभग BSNL बंद ही पड़ा है, कहीं कहीं चल रहा है, लाइट आ जाती है तो चल जाते हैं टावर, और नहीं बंद ही पड़ा है। तो दोस्तों ये BSNL यूनियन का कहना है कि जल्दी से जो है BSNL के लिए 4G अपग्रेडेशन का काम किया जाए। अगर हम लोग जो टेंडर करते हैं, तो टेंडर में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, पहले टेंडर उठाना पड़ता है, उसके बाद बोली लगती है कि सबसे कम में कौन जो है BSNL के लिए 2G 3G को 4G में अपग्रेड करके दे देगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोसेस होती है। तो दोस्तों टेंडर की बात को कैंसिल करते हुए BSNL यूनियन ने PK पुरवार के लिए एक लेटर लिखा है, देखते हैं दोस्तों उसका जल्दी से रिप्लाई आ जाएगा, क्या रिप्लाई आएगा, क्या एक्शन लिया जाएगा, और उस एक्शन को जो मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप हर एक न्यूज़ से अपडेट रह सकें। दोस्तों अब बताएं कि जो 4G का टेंडर है, वो टेंडर को कैंसिल करने की तो बात की गई है, और ये भी कहा है यूनियन ने कि जो टेक महिंद्रा और ITI जिसकी कि BSNL के 4G के टेंडर में पार्टिसिपेटेशन की बात हो रही है, उन्होंने कहा है कि इसी कंपनी से क्यों ना हम डायरेक्टली इक्विपमेंट खरीद के और डायरेक्टली 4G का अपग्रेडेशन किया जाए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, BSNL जल्दी से रिवाइव हो जाएगा। और दोस्तों ये 4G ऑपरेशन काम है जल्दी हो जाएगा, रेवेन्यू जल्दी जनरेट हो जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी पहले अगर इस पर अमल होता है तो BSNL बहुत जल्दी सुधार में आ जाएगा। हाँ दोस्तों बहुत जल्दी BSNL सुधार में आ जाएगा और सारे काम बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों टेक महिंद्रा और ITI दोनों कंपनियां मिलकर, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने इन दोनों कंपनियों से कहा था कि आप लोगों के लिए जो 4G का टेंडर है उसमें पार्टिसिपेटेशन के लिए अनुमति दी जाएगी, और ये दोनों ही कंपनियाँ होम ग्राउंड कंपनी हैं। दोस्तों ये दोनों ही कंपनियां भारत की होम ग्राउंड कंपनी हैं, इसलिए दोस्तों इन कंपनियों के पार्टिसिपेटेशन की बात तो की जा रही है। और दोस्तों ये टेक महिंद्रा और ITI
ये दोनों अलग अलग कंपनी हैं, इन दोनों ने मिलकर इक्विपमेंट 4G इक्विपमेंट बनाने चालू कर दिए हैं। जैसा कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने इनके लिए इजाज़त दी थी कि आप इक्विपमेंट बनाने चालू कीजिए, आपके लिए पार्टिसिपेटेशन में रखा जाएगा। तो दोस्तों इन्होंने इक्विपमेंट बनाने चालू कर दिए हैं, और ऐसी पहल को देखते ही जो BSNL यूनियन है उसने ये कहा है कि आप लोग जो है क्यों ना टेंडर वेंडर सब कुछ कैंसिल करते हुए डायरेक्टली इन कंपनियों से, जिन्होंने इक्विपमेंट तो बनाना चालू कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट बन भी चुके हैं, तो क्यों ना इनसे डायरेक्टली इक्विपमेंट लेके जो है BSNL के 2G 3G को 4G में अपग्रेड किया जाना चाहिए। तो दोस्तों उस पर देखते हैं कितनी जल्दी अमल होता है, और जितनी जल्दी अमल होगा उस हिसाब से BSNL रिवाइव हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ खास न्यूज़। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आप हर एक नोटिफिकेशन से अपडेट रह सकें BSNL से जुड़े हो। दोस्तों आप बताएं कि इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके जो साथी एम्प्लॉई हैं उनके लिए भी हर एक न्यूज़ से अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है इस क्रिटिकल समय में जो कि BSNL का फिलहाल चल रहा है। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय दोस्तों।